स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो कैसे हो आप सब? जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों करवाते हैं, क्यों हमें एनालिसिस में पढ़ना इसका ज़रूरी है, जो आपके बी फार्मा में सिलेबस में दिया हुआ है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे, कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं और कौन कौन से एजेंट हम यूज़ करते हैं जो कि नॉन एक्वस में यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन, व्हाट डू मीन द एक्वस। एक्वस जहां बात आए तो डेट मीन ये बात कर रहा है हमारा H2O के बारे में। H2O मतलब वाटर के बारे में बात कर रहा है, पानी। जल बिना भैया जिंदगी अधूरी, लेकिन इन केमिस्ट्री में बिना जल के भी बहुत कुछ होता है। तो चलिए, नॉन एक्वस डेट मीन कि जिसमें पानी यूज ना करें, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हम पानी यूज ना करें उसी को हम कहेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो पानी अगर यूज नहीं करते तो यूज क्या करते हैं हम? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका डेफिनेशन देखें तो क्या है कि डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक तरह का टाइट्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में वाटर की जगह कुछ और यूज करते हैं। डेट मीन कि अदर देन वाटर। अब क्वेश्चन ही आता भैया कि ये सॉल्वेंट क्या होता है? आपने 12 में पढ़ा होगा तो सॉल्वेंट आपको नॉलेज होगा। कोई बात नहीं, फिर उसे बताने वाला हूँ कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो जब हम कोई, मान लीजिए हमें मिक्सर बनाना, मिक्सर एक एग्जांपल पे ले लीजिए, चीनी पानी बनाना, चीनी और पानी बनाना नॉर्मल चीज़ है भाई, हर घर में बनता है, तो इसमें भी हम बना देंगे चीनी पानी, तो कोई बात नहीं। तो चीनी पानी में जैसे कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पानी जिसको कहते हैं H2O। मान लीजिए हम 100 ml ले लिए और जो चीनी है वो हम 20 ग्राम शुगर ले लिए। इन दोनों को हम इस बर्तन में डाल दिए, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, ये हमारा सॉल्यूशन। जो कम अमाउंट में डालते हैं उसको कहते हैं हम सॉल्यूट। डेट मीन कहते हैं इसको सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में, डेट मीन जिसका, इसका अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम होते हैं उसको कहते हैं हम सॉल्यूट। तो सिंपल से हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल पर। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी किसका ज़्यादा, ऑर्डर का ज़्यादा है, डेट मीन कि ये ही हमारा है सॉल्वेंट। हमारा सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ रहता है, सॉल्यूशन किससे बना हुआ रहता, एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनता हमारा, सॉल्यूशन। ये क्लियर है आपको? अब आपको क्लियर हो गया कि सॉल्वेंट क्या होता। तो सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि हम उस चीज को डिजोल्व करने के लिए। क्या भैया बिना बिना पानी का चीनी चीनी घोल लोगे? नहीं घोल सकते भैया, उसे अगर घोलोगे ना, ज़्यादा हीट करोगे, अगर हीट कर नहीं सकते उसका पिघलता है तो मेल्ट हो जाएगा, तो हमें घोलना है तो सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट हमें चाहिए। तो ठीक है, टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन, एक अननोन कंसंट्रेशन, दोनों को हम आहिस्ता आहिस्ता हम टाइट्रेशन करते हैं, बूंद बूंद ये टुम 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 करके देखते हैं, हम एंड पॉइंट निकालते हैं। इन पॉइंट किसके मदद से निकालते हैं, हम इंडिकेटर की मदद से इन पॉइंट निकालते हैं। इन पॉइंट किसके लिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन पॉइंट जो हम इंडिकेटर के मदद से निकलते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन वो अपना कलर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं, ठीक है, जब हम सॉल्वेंट में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जब हम सॉल्वेंट पानी नहीं यूज़ करते हैं तो हम आखिर यूज़ क्या करते हैं? तो उसके लिए यह है कि नॉन एक्वस जहाँ भी आए तो सॉल्वेंट अगर वाटर रहे तो वो एक्वस टाइट्रेशन कह लीजिए या एक्वस सॉल्यूशन होगा, लेकिन जहाँ अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के अदर सॉल्वेंट होगा उस वक्त हम उसके कहेंगे उस सॉल्वेंट को, या तो फिर उस सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन एक्वस में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक जहां भी आप जिक्र आए कार्बन की बात कर रहा है, उस कंपाउंड में मस्ट हैव ए प्रेजेंट इन कार्बन, मतलब उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम आखिर ये जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है क्यों करवाते हैं, क्यों जरूरत पड़ी है? अगर फालतू की जरूरत ना पड़ती तो हमें क्यों पढ़ना है फालतू का, लेकिन जरूरत पड़ रही है। जरूरत इसलिए पड़ रही है
कि जब हम ड्रग बनाते हैं, वायु यूज नॉन एक्वस सोल्यूशन, जब हमारा पानी डाल के काम चल रहा था तो हमें नॉन एक्वस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो अब इसको जानने के लिए हम जो फाइनली एनालिसिस में क्यों पढ़ते हैं, हमें फार्मेसी में क्या करना है कि ड्रग बनाना है, तो हमारा क्या मोटो रहे कि ड्रग जो है फाइनली हमारा अच्छा बने, एररलेस बने, उसमें जो हमारे फॉरन जो मटेरियल्स हो कम पड़े या कम रहे या तो फिर ना रहे, एररलेस हो। इसके लिए तो हम ड्रग जब देखते हैं ड्रग के बारे में, तो ड्रग हमारा क्या है, ड्रग का नेचर दो तरह का बनता है, एक एसिडिक एक बेसिक। एसिडिक का सैंपल है जो H प्लस आयन को देता है और जो बेसिक OH नेगेटिव को प्रोड्यूस करता है। तो ये दो ये थे हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना था एसिड और बेस का डेफिनेशन। चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही हार्डली उस तरह का अगर एसिड हाथ पे गिर जाए तो जल जाएगा, एक होता वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग का है हमारा HCl और वीक एसिड का CH3, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये हाइड्रोलाइज इस तरह से होता है। जो बेसिक है, बेसिक का एग्जांपल देखें तो जो हाईली स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसको हम NOH कहते हैं, या तो फिर NOH उसका एग्जांपल है। जो वीक बेस है उसका एग्जांपल NH4OH है। तो ये थे हमारे ड्रग का प्रॉपर्टीज। लेकिन ये अगर रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इजिली वाटर को लेकर उसमें डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या आ जाए, जब आपके पास वीक एसिड, दैट मीन की वीक एसिड क्या है, वीक एसिड और वीक बेस, ये दोनों आ जाए, तब हमारे पास प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो वाटर में होता ना वो 100% फिर डिजोल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर हाईली एसिड रहता तो वो अपने आप हाइड्रोलाइज हो गए, वाटर में डिजोल्व हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इस कंडीशन में फिर हम यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के जो हम यूज करते हैं सॉल्वेंट उसी को हम कहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, जब हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस रहेगा तभी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। किस चीज का भाई, ये हमारे ड्रग का नेचर अगर रहे वीक एसिड या तो फिर वीक बेसिक तभी हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करवा दें। अब हम जानेंगे कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, या तो फिर कह लीजिए कितने टाइप के होते हैं। आपका कंपाउंड दिया जाए तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एसिड एंड बेस, तो दो ही हो सकता। अब इसमें है क्या कि इसमें टाइप दो तरह के टाइप होते हैं। जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करवाते हैं तो किसके लिए करते हैं, उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए हम उसमें करवाते हैं टाइट्रेशन। अब आता है हमारे पास एसिडोमेट्री टाइट्रेशन एंड अल्काइलोमेट्री टाइट्रेशन, दो तरह के टाइट्रेशन आता है। जो एसिडोमेट्री टाइट्रेशन होते हैं, दैट मीन एसिडोमेट्री, आप समझ ही रहे हैं कि उसमें एसिड होगा। ये क्या है, सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन लेके तो क्या कहते हैं, एसिडोमेट्री टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच वी यूज स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है कि किसी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। किसके लिए, फॉर वीक बेसिक नेचर ड्रग के लिए। दैट मीन कि स्ट्रॉन्ग एसिडोमेट्री टाइट्रेशन एक तरह का टाइट्रेशन है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए सॉल्वेंट लेते हैं फॉर वीक बेसिस ड्रग के लिए। दैट मीन हमारे ड्रग का किसका कंडीशन होगा, वीक बेसिक नेचर का होगा। इसका एग्जांपल देखें तो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोनेट एंड इप्रिडिन HCl, ये दो एग्जांपल हैं एसिडोमेट्री का। अब आते हैं अल्कलोमेट्री टाइट्रेशन या तो फिर एक्लोमेट्री नॉन एक्वस टाइट्रेशन कह लीजिए। इस तरह का टाइट्रेशन इसका देखें तो अल्कलोमेट्री इज द टाइप ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि इन अल्कलोमेट्री में क्या होता है, सॉल्वेंट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। इसमें हम क्या यूज करते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इसीलिए हम इसका नाम क्या है, एसिडोमेट्री टाइट्रेशन। और इसमें हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, दैट मीन इसका हो जाएगा, इसलिए हम इसका नाम है अल्कलोमेट्री। फॉर किसके लिए, वीक एसिड ड्रग नेचर के लिए। अब इसका ये देखें कि दोनों का इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड जो हमारा एग्जाम्पल है। अब इसका वाला देख ले तो दैट मीन्स एसिडोमेट्री में टाइट्रेशन में क्या होगा,
एसिडोमेटिक टाइट्रेशन में हम जो सॉल्वेंट कह लीजिए वो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे, और जो अल्कलोमेट्री में होगा उसमें हम सॉल्वेंट जो है स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।